हेलो दोस्तों, आज हम लिखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 350 शब्दों में निबंध। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। निबंध अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग इंसान को लंबी उम्र भी देता है। आमतौर पर योग दिवस लोगों को योग के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में योग के लाभ और इसकी महत्व को विश्व भर के लोगों को समझाया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने इस प्रस्ताव को पसंद कर स्वीकार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मान्यता दी गई। मान्यता मिलने के बाद 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ में एक बड़ा आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने राजपथ पर लगभग 36,000 लोगों के साथ योग किया। यह योग दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया गया था। इस आयोजन ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पहला रिकॉर्ड सबसे बड़ी योग कक्षा के लिए बना, जिसमें लगभग 35,985 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। योग करने की परंपरा भारत में पौराणिक काल से चली आ रही है। यह शरीर और मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण रखने के साथ ही तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। योग शरीर में एक दवा की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर के अंगों के कार्य करने के ढंग को नियंत्रित करके हमारे शरीर के विभिन्न बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करता है। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी होता है। योग करने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के सभी तरह के बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए योग करना हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी को अपने बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। तो दोस्तों, निबंध आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।